सूडान में फंसे 135 भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान जेदा पहुंचा। इस बार में जत्थे के साथ कुल मिलाकर 2100 भारतीय जेदा पहुंचे हैं। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने दी। अतीक अहमद के भाई अशरफ के बेनोई सदाम की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 से 1,00,000 रुपया कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बांटन जंतर मंत्र पर कथित जोन उत्पीड़न मामले में WFI के प्रमुख बिजभूषण चरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से आज मुलाकात की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहलवानों को FIR की कॉपी दी गई है। POCSO के तहत मामला दर्ज, FIR की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई क्योंकि ये केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई जारी है। याचिका में राहुल गांधी की दोष सिद्धि को निलंबित की मांग की गई है। असम में 29.31 लाख रुपए के नकली नोट जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलाघटकी में रोड शो किया। लेफ्टिनेंट मैक से ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करेंगे और संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। पहलवानों के मामले में एक बयान जारी कर पुलिस ने कहा कि पुलिस पहलवानों को सक्षम मुहैया कराएगी। बिजभूषण शरण के खिलाफ एक नाबालिग सहित 7 खिलाड़ियों ने पुलिस से शिकायत की है, पुलिस जल्दी इनके बयान दर्ज करेगी। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा जतनलाल के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि नेताओं के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वे दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव अपनी जगह है लेकिन मर्यादाओं को लांघकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करके राजनीति में बहुत ही नकारात्मक उदाहरण पेश किया जा रहा है।